हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी में। दोस्तों, गणेश उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ समाप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गणेश उत्सव कब से मनाया जाता है। यह उत्सव कई सौ वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन सन 1893 से पहले यह उत्सव सिर्फ घरों तक ही सीमित था। उससे पहले यह उत्सव सामूहिक रूप से नहीं मनाया जाता था। सन 1893 में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक बड़े पैमाने पर इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें कई हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और धीरे धीरे पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाने लगा। इस उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र से की थी, जिस कारण यह उत्सव महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक उस समय एक युवा क्रांतिकारी और गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। वह उस समय स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसे मंच की तलाश थी जिससे उनकी आवाज ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुँच सके। और तब उन्होंने गणेश उत्सव के बारे में सोचा और सामूहिक गणपति उत्सव का आयोजन किया और गणेश उत्सव को इतना सुंदर भव्य रूप दिया जिसे आज हम सब देखते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के बाद गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है, और 10 दिनों के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है और गणेश उत्सव का समापन करते हैं। धार्मिक धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा 10 दिनों तक गणेश जी को सुनाई थी। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके पूरी महाभारत कही और जब 10 दिनों के बाद आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया था। तब उसी समय वेदव्यास जी ने गणेश जी को पास ही की नदी के शीतल जल में स्नान करवाया, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। और भगवान गणेश जल तत्व के अधिपति माने जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद उन्हें वापस जल में विसर्जित कर दिया जाता है, अर्थात वह जल के अधिपति हैं और उन्हें वापस वहीं पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के पीछे का रहस्य। धन्यवाद।